सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज। तो यार, जोसा काउंसलिंग राउंड वन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जिन बच्चों को ब्रांचेस या मतलब सीट्स या फिर उनकी जो फील्ड चॉइसेस है वो अलॉट हो चुके हैं। बेसिकली किसी कॉलेज में उनको कुछ ना कुछ ब्रांच अलॉट हो चुकी जो उन्होंने फिलअप करी थी। तो अब उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है, साथ के साथ उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। क्या दिक्कतें आ रही है वो एक एक करके मैं आपके साथ में डाउट्स बच्चों के लेते जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, मेडिकल परफॉर्मा जो है उसको सीएमएचओ से या जो भी हमारे स्टेट सीएमओ होता है उसके वहां से अटेस्टेड करवाना है कि नहीं करवाना। तो यार, जो भी आपका जो मेडिकल परफॉर्म है उसको आप किसी भी रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर से, जो कि एमसीआई के अंदर रजिस्टर्ड है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, वो अपनी सील लगा के, मतलब उसकी जो भी मेडिकल परफॉर्मा की डिटेल्स है उनको भर के उसके अंदर अपनी सील लगा के रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देगा, बस वो आपका मेडिकल परफॉर्मा हो जाएगा। तो किसी भी डॉक्टर से आप अपना मेडिकल परफॉर्मा बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट डॉक्टर से ही बनवाएं, प्राइवेट से भी बनवा सकते हैं, बस वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि 12th की मार्कशीट कहां से मिलेगी। तो 12th की मार्कशीट आप डिजी लॉकर वाली अपलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उसका आप अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली 12th की मार्कशीट का पर्पस ये है कि उनको ये देखना है कि आपके 12th में 75% से ज्यादा है या नहीं है, जो भी आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ये बेसिकली काम है 12th की मार्कशीट का। 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा है फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, वो एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका एक्ट करेगा। तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और मेडिकल परफॉर्मा। और एक है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ क्या होता है यार, वो स्टेट जहां से आपने आपकी 12th या इक्विवेलेंट 12th का एग्जामिनेशन कंप्लीट किया है, मतलब बेसिकली जहां से आपने आपकी हायर से सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग करी है, मतलब 12th प्लस 2 आपने जहां से किया है या प्लस 2 के इक्विवेलेंट कोई स्टडी आपने जिस स्टेट से करी है, वो स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है। और उसका प्रूफ क्या होगा, या तो आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो 12th का मार्कशीट है, 12th का पास सर्टिफिकेट है, वो उसके अंदर आपके स्कूल का नाम और स्टेट लिखा हुआ होगा, तो वही आपका जो है एज अ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ काम करेगा। ठीक है, या तो आपके पास डोमिसाइल है या आपके पास पास सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है जिसमें आपका स्कूल का नाम विद स्टेट मेंशनड है, तो वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ की तरह एक्ट कर जाएगा। ठीक है यार, तो ये कुछ कॉमन डाउट्स बच्चों के आ रहे थे। और एक और बच्चों का कॉमन डाउट आ रहा था, वो कॉमन डाउट ये था कि भैया अगर हमको कोई ब्रांच नहीं मिली है तो हमको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। जिनको ब्रांच मिली है उनको फीस पे करनी है, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, और उसके अंदर से उनको फ्रीज फ्लोट या स्लाइड वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बच्चों का मेन डाउट और आ रहा था कि भैया ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। तो यार, गैप सर्टिफिकेट होता है अगर आपने प्लस टू के बाद, मतलब अपनी 12th के बाद ड्रॉप लिया है और ड्रॉप लेके आपने जेई की तैयारी करके फिर इस बार जेई क्रैक किया है, तो आपको वहां पे कॉलेज में शो करना पड़ता है कि मैंने ड्यूरिंग गैप पीरियड काम किया है। तो उसका सीधा सा रीजन है कि ड्यूरिंग गैप पीरियड मैंने अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, तो वो अभी सबमिट करना है, नहीं वो अभी सबमिट नहीं करना होता, वो कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा कि गैप सर्टिफिकेट, ये मेरा गैप सर्टिफिकेट है और मैंने गैप पीरियड के अंदर इस एग्जामिनेशन की तैयारी इस इंस्टीट्यूट से या यहां यहां से करी है। तो वो गैप सर्टिफिकेट, उस गैप सर्टिफिकेट का परफॉर्मा या फॉर्मेट क्या होता है, वो जब गैप आप कॉलेज में जाएंगे तो या तो कॉलेज वाले आपको गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे देंगे, या जो गैप सर्टिफिकेट का जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है वो आपको नेट से मिल जाएगा। उसको आप किसी भी एडवोकेट या नोटरी से, बेसिकली उस पर नोटरी का अटेस्टेड चाहिए होता है, अटेस्ट चाहिए होता है नोटरी का, तो वो नोटरी से ही बन के आता है आपका गैप सर्टिफिकेट जो होता है। तो आप अपने लोकल जहां भी आप रहते हैं वहां से बनवा सकते हैं, बट अभी गैप सर्टिफिकेट का नीड नहीं है। अभी 10th की मार्कशीट चाहिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ की तरह एक्ट करेगा, 12th की मार्कशीट चाहिए जो ये बताएगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 75% क्राइटेरिया, मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी फिटनेस को शो करेगा, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ आपका एज अ शो करेगा कि आप बिल्कुल इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। या तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए या फिर आपके पास 12th की मार्कशीट होगी जो कि जिसके अंदर आपका स्कूल का नाम विद एड्रेस लिखा होगा, मतलब विद स्टेट लिखा होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी अपलोड करने हैं। यार ये कॉमन डाउट्स आ रहे थे, सारे बच्चे मेरे से ये डाउट्स पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।